गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? फाइन बेटा, फाइन। Good morning, all of you. Good morning, good morning, sir. Morning, sir. Morning, sir. Morning, good morning, sir. Sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, aapki first aapki third class class mein. Sorry. Kaun Vinda bol rahi hai? Vinda awaaz sahi nahi aa rahi. सर वृंदा, योर वॉइस इज क्रैकिंग। आपकी सेकंड क्लास किस क्लास में थी? दैट वाज इन फिफ्थ क्लास। फिफ्थ क्लास थी। हाँ, दोज वर स्टूडेंट्स ऑफ फिफ्थ क्लास। सर
वृंदा बेटा तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है, तुम मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करो। Sir, yesterday we are doing question number 4 and you have said do question number 5 by yourself. So, sir, you are saying that कि हमें खुद से करने हैं, बिल्कुल same है. So, sir, answer तो आ गया है, but I don't know that is it correct, like my solution is correct or not. So, you may check it. No problem, I will show you the correct solution. Don't worry. Just showing you the correct one. You all can match your answer from it. Okay, just a minute. Okay, so question 5 I gave you in homework yesterday. I told you to try it yourself. Yes. Homework, kya bolenge? I don't know. Can you see it on your screen? Question number 5. Yes, sir. So just checking. This is question 5. It is there on your screen. Question 4 humne kal kiya tha. Question 4 and 5 are exactly same. मैंने बोला था क्वेश्चन 5 यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव ट्राइड इट एंड नाउ यू कैन चेक योर आंसर ऑफ क्वेश्चन 5. सो करेक्ट आंसर, सी द सॉल्यूशन, ईच एंड एवरी स्टेप ट्राई टू मैच इट. ओके, हमको क्या करना था, देयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी, सी द फिगर, फिगर देखो, ट्रायंगल ए बी सी को देखिए, एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है. सो देयर इज ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एबीसी में देर इज अ पॉइंट पी ऑन द लाइन बी सी, पी कोई भी पॉइंट है ऑन लाइन बी सी, उसके बाद ए पी को ज्वाइन करा, ए एंड पी को ज्वाइन कर दिया, ये वाली लाइन सेगमेंट. ओके, सो नाउ वी हैव टू प्रूव, ये लिखा है प्रूव दैट ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ ए पी, ठीक है, ये प्रूव करना है, टू ए पी या फिर ट्वाइस ऑफ ए पी, एक ही बात है. तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन द ट्राइंगल, ये देखो ग्रीन कलर से जो मैंने शेड करा है ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी पी, पहले ये वाला ट्राइंगल को देखा, इस ट्राइंगल में ए बी प्लस बी पी इन दोनों का सम इज ग्रेटर देन ए पी, ए पी के सम से बड़ा है, सॉरी ए बी और बी पी का सम ए पी से बड़ा होगा. Which property? Sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Always. जो अभी अभी हमने कल परसों property सीखी थी वो वाली property. Okay, now similarly अब हमने दूसरा triangle ले लिया, ये वाला triangle, triangle ABC. ठीक है, ये triangle ले लिया, triangle ABC, ACP. इसमें AC and
सीपी का जो सम है वो एपी से बड़ा होगा. अगेन सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. सेम रीजन, दो इनइक्वालिटीज बन गई. दिस इज योर इनइक्वालिटी नंबर वन एंड दिस इज योर इनइक्वालिटी नंबर टू. दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इनइक्वालिटी. ऐड कैसे करते हैं, दोनों का एलएचएस ऐड हो जाता है, एबी प्लस बीपी प्लस एसी प्लस पीसी. दोनों का एलएचएस देखिए ऐड कर दिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी. बीच में ग्रेटर देन का साइन लगाया देखिए दोनों इनइक्वालिटीज में. तो यहाँ पर भी ऐड करके दोनों का जो सेम साइन है ग्रेटर देन वाला वो आ जाएगा, ठीक है. और फिर दोनों का आरएचएस एपी प्लस एपी. अब देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन. बीपी एंड सीपी, ये जब आप फिगर में देखेंगे ध्यान से, फिगर को देखना है. बीपी और सीपी ऐड होकर के क्या बनता है, बीसी बन जाता है. अगर मैं साइड बीपी और साइड सीपी की लेंथ ऐड करूंगा तो मुझे बीसी की लेंथ मिल जाएगी. तो वही करा यहाँ पे, बीपी और सीपी की जगह ऐड करके लिख दिया बीसी. AB को ऐसे ही कॉपी कर दिया, AC को भी सेम ऐसे ही कॉपी कर दिया, बस BP एंड CP को ऐड करके हमने लिख दिया BC, ठीक है. और RHS में AP प्लस AP बन गया 2AP. यही प्रूफ करना था, ठीक है. प्रूफ करने का मतलब ये होता है कि आपको ये सब चीजें प्रॉपर मेथड से शो करनी होती है कि हाँ ये सब चीजें जो भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन या एनी इक्वेशन जो भी हमको प्रूव करनी है वो सही है, शो करके दिखाना इट इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन 5. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6. आई होप यू ऑल हैव डन क्वेश्चन 5 इन योर कॉपी नाउ. यस सर. यस सर. इन दैट पीरियड बस 7th में इतने ही बच्चे ज्वाइन थे. 7th में इतने बच्चे ज्वाइन थे? नहीं नहीं, वो सारे बच्चों के वीडियो थोड़ी शो होते हैं. एक बार जब रिकॉर्डिंग देखते हैं तो उसमें फर्स्ट 4-6 बच्चों का वीडियो दिखता है बस. बच्चे तो ज्यादा थे, आई थिंक देयर वाज समथिंग समवेयर नियर. सर टुडे सेवन बिकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई. हां एक दो बच्चे बढ़ गए. सर 10th स्टूडेंट्स आ गए. सर कैन Yes, sir, somewhat. Not like bilkul bilkul fine wala. Get well soon. Till tomorrow. ठीक है, टेक केयर. आजकल थोड़ा मामला फिर से रिस्की हो गया है, सो प्लीज स्टॉप गोइंग आउट एवरीवन. बहुत सारे, समझ रहे हो ना क्या कहने का मतलब, मैंने बहुत सारे नोन में सुने. So I'm just taking my laptop outside so that I can just fix it because there is a problem. So that is why I cannot speak. Also, you were saying that your voice. Yes, sure. That is why I just go out. Sure. And so that is why I just by mistakenly joined your class too, the previous. No, कोई बात नहीं. Exercise 15C. We have to start with question number 6. Okay, all of you start drawing the figure, question 6. Main kar raha hu beta, question 6, everyone. Sir, I'm only thinking that he is, sir ne question chota kar rakha hai. Question 6 is there on your screen. Sir, it's quite lengthy. Can you see it on your screen, all of you? Question 6. Sir, do more small. थोड़ा सा और small कर दिए. हाँ जी, sorry. Sir, somewhat more.
मतलब थोड़ा जूम करना है, बड़ा करना है इसको, छोटा दिख रहा है तो छोटा करना है सर, छोटा करना है ताकि स्क्रीन में फिट हो जाए और मैं कर पाऊँ। नहीं सही है, आप तो ठीक है, पूरा स्क्रीन में क्लियर दिख रहा होगा, पूरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो यहीं पे खत्म है, दिस इज द लास्ट पॉइंट, दिख रहा है? ओके सर। So what do we have to do? Okay, so I am going to explain the question, everyone. Explain कर रहा हूँ, don't worry, ठीक है? डरने वाली बात नहीं है, question को देख कर डर लग जाए तुमको। Sir. हाँ जी। Yes. Now sir, I'm asking that sir in this like which is square is there, so sir इसमें midpoint भी है बिल्कुल, Santa जो Santa को हम कोई name नहीं दे सकते हैं। क्या हुआ? Sorry. Sir, I mean to say that. Just a second. Sir, are you able to see that? Sir, I'm saying that in this figure A, B, C, D. हाँ फिर so sir in this so sir यहाँ पर हाँ यहाँ पर आगे क्या? तो मेरे भाई परेशान कर रहे हैं, जैसी मैं बोल रही हूँ वैसी बोल रहे हैं। सर आप सुनिए, सो सर यहाँ पर बी ए और बी को जब मिलाते हैं तो फिर यू कैन राइट इट इन बुक चैट। सर नाउ आई वांट टू आस्क दैट सर ए बी सी डी, ओके सर, सो सर जब हमने ए ए और सी को लाइक बीच में से बना दिया तो फिर हमारा ए बी और सी का लाइक एक ट्राइंगल बन गया, और यहाँ पर ए डी और सी का ट्राइंगल बन गया, सो सर ये जो मिड पॉइंट है यहाँ का, सो इसको कोई हम नेम नहीं दे सकते? अगर इसको हम नेम देंगे ये मिड पॉइंट नहीं बोलेंगे इसको, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मिड पॉइंट तब होता है जब एग्जैक्टली बीच में होता है, तो ये एग्जैक्टली बीच में नहीं है। ओके, सो इट इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नाम दिया जा सकता है ओ बी नहीं ओ पी क्यू आर कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके बट यूज नहीं है उसका, तो वो मैं इसलिए नहीं बोल रही थी क्योंकि ना मैं जैसे ही बोल रही थी वैसे दोनों बोल रहे थे, तो मम्मी ने उनको मिल गा दिया तो वो चुप होके बैठ गए। ओके एवरीवन रेडी, एक्सप्लेन करना शुरू करूं मैं, खाली नोट नहीं करना है, मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, दैट इज मोर इंपोर्टेंट। ओके सर एक्सप्लेन, नोट बाद में करना, अभी सिर्फ बोर्ड पे देखिए सब लोग, वीडियोस ऑन कर लीजिए अपने। निशु अपनी शक्ल दिखा, तुम्हारी शक्ल से मुझे पता चले कि तुम्हारा तबीयत खराब है। हाँ जी, ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन, ठीक है? रेडी हैं बच्चे? यस सर, ओके, यस सर, सॉरी, नथिंग सर, ओके देखो,
ट्राइंगल एबीसी सबसे पहले हमको क्या प्रूव करना है, सबसे पहले तो वो छोड़ो, ट्राइंगल एबीसी छोड़ो. दिस इज द फिगर, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल. अभी तक हम लोग क्वेश्चन ट्राइंगल के अंदर कर रहे थे, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड क्वाड्रिलेटरल में दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन किया हुआ है, एसी को और बीडी को ज्वाइन किया. दीज आर द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इनको डायगोनल बोलते हैं. ठीक है, जो बीच में लाइन बनाई जाती है दैट इज डायगोनल. तो AC और BD are the diagonals. तो हमको यहाँ पे प्रूव करना है that sum of all the sides AB plus BC plus CD plus D, ये देख रहे हो, ये प्रूव करना है, इनका सबका sum is greater than, greater का सिंबल है, greater than AC plus BD. AC और BD क्या है, ध्यान से देखिए फिगर में, AC and BD are the diagonals. तो चारों sides का sum, side किसको बोलते हैं, जिसको जो outer जो डिस्टेंसेज होती हैं, आउटर लेंथ जो होती है किसी भी फिगर की, उनको साइड बोला जाता है. ये साइड है, साइड में इसलिए उनको साइड बोला जाता है. और जो बीच में जो होती हैं ऐसे करके जो जॉइन वाइन करके बनाते हैं, इनको डायगोनल्स बोलते हैं. ठीक है, साइड्स और डायगोनल्स में डिफरेंस समझ में आ गया. इनको बीच वाली जो होती है इनको साइड नहीं बोलते हैं. ठीक है, चलिए देखिए. So yeah. we have to prove that the sum of all the sides of a quadrilateral is greater than the sum of diagonals. ये प्रूव करना है. ओके, सो ये प्रूव करने के लिए अब बहुत ध्यान से देखना है. आई नो मैं इतना डिटेल में इतना आराम से क्यों समझा रहा हूँ आप लोगों को, एक एक चीज एक एक पॉइंट, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग क्वेश्चंस ऑन प्रूविंग. ये जो प्रूव करने वाले ऐसे क्वेश्चंस आपने आज तक बचपन से किए नहीं है, बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं, सेवन क्लास के, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, सही से सब कुछ समझ में आना चाहिए. I understand this. ठीक है, तो prove that ये वाले questions first time कर रहे हैं, अब कैसे करना है? ध्यान से देखिए LHS को. LHS में आपको sides दिख रही हैं, sides, और RHS में दिख रही हैं diagonals. तो मैं जब prove करूंगा question को, हाँ बेटा सॉरी सॉरी, चलिए देखिए. तो अब हमने उठाया ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी. अब ये ट्राइंगल क्यों उठा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि डायगोनल एसी इज अ पार्ट ऑफ, डायगोनल एसी को ध्यान से देखिए, ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट करी है. So this is a part of triangle ABC, का part है diagonal ABC, and it is also a part of triangle ADC, triangle ADC का भी part. तो दोनों triangles को one by one मैंने उठाया है. देखिए पहले triangle ABC, इसमें देखिए side AB और side BC का जो sum है वो obviously diagonal AC से बड़ा होगा. AB और BC का sum AC से बड़ा है, क्यों है? Because sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. ये theorem पूरी यहाँ पर bracket में आ जाएगी, ये वाले bracket के अंदर. ठीक है, theorem आप पूरी लिखेंगे. So AB plus BC is greater than AC हो गई. अब first ये inequality बना ली हमने, फिर triangle ADC को उठाया. ADC, ADC में AD और CD का जो सम होगा वो अगेन डायगोनल AC से बड़ा होगा. आप ध्यान से देखिएगा सारी इनइक्वालिटीज जो भी मैंने बनाई है उसमें बहुत नोटिस करने वाली बात है कि AC, AC, BD, BD ये चारों चीजें मैं RHS में लिख रहा हूँ. क्यों लिख रहा हूँ RHS में? क्योंकि जो हमको प्रूव करना है, इसलिए मैं दिखा रहा था आपको ये, क्योंकि जो हमको प्रूव करना है वो हमको RHS में ही लिखा हुआ है. देखिए AC और BD RHS में लिखे हैं, AC BD, इसलिए मैंने सारी inequalities में AC और BD को RHS लिखा है. Are you getting my point or not?
Yes, sir. And? Yes, sir. A, B, B, C, A, D, C, D, A, B और A, D, B, C और C, D, ये सारी चीजें LHS में क्यों लिखी हैं? Again, the same reason, because जो equation हमको prove करनी है, जो inequality हमको prove करनी है, उसमें A, B, B, C, C, D, A, D, ये सब LHS में लिखी हैं. LHS. ठीक है? तो triangle ADC में हमको मिल गया था, फिर से यहाँ पर देखिए, triangle ADC में हमको मिल गया था, AD plus CD is greater than AC. ये diagonal AC को हमने दो बार दो ट्राइंगल की हेल्प से बना ली, दो इनइक्वालिटीज. फिर ट्राइंगल BD पे फोकस करेंगे. ट्राइंगल BD को हाईलाइट कर लेते हैं किसी और कलर से, लाइट पिंक. पिंक कलर मैं चूज कर लेता हूँ, लाइट पिंक. तो BD डायगोनल को देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ टू ट्राइंगल्स. अगेन एक तो ट्राइंगल ABD का पार्ट है डायगोनल BD, और डायगोनल BD इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल BCD, उसका भी पार्ट है. तो ट्राइंगल ABD में सबसे पहले AB और AD का सम, AB साइड और AD साइड, इन दोनों का सम BD से बड़ा होगा, थर्ड इनइक्वालिटी. सिमिलरली ट्राइंगल BCD उठाया, वहां पर BC और CD का जो सम है वो BD से बड़ा हो जाएगा, फोर्थ इनइक्वालिटी. चारों इनइक्वालिटीज बनाने के बाद हम चारों को ऐड कर लिया, ये लिखा है एडिंग इनइक्वालिटीज नंबर 1, 2, 3, 4, सबको ऐड किया. ऐड कैसे होती है इनइक्वालिटीज, सबका LHS ऐड हो जाता है. चार इनइक्वालिटीज में चारों का LHS, 1, 2, 3, 4, चारों का LHS ऐड हो गया. ये हुआ ऐड, AB plus BC plus AD plus CD plus AB plus AD plus BC plus CD greater than, चारों जगह आप देखिए ग्रेटर देन का सिंबल है, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, सब जगह ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन आ गया. और RHS ध्यान से देखिए, चारों का RHS AC plus AC plus BD plus BD. ठीक है, अब काउंट करिए ध्यान से. इस अब हम यहाँ तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, AB और AB दो बार लिखा है, देखो ये लिखा AB एक बार, वो बन गया 2AB. BC and BC बन गया 2BC. AD plus AD बन गया 2AD. CD plus CD बन गया 2CD. यहां पर भी वही हुआ, AC plus AC बन गया 2AC. BD plus BD बन गया 2BD. ठीक है, सारी टर्म्स में जब 2 आता है तो हम 2 को ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले सकते, कोई भी नंबर हो अगर कॉमन है. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे 3x plus 3y लिखा है, दोनों टर्म्स के पास 3 है, तो हम 3 को कॉमन ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में लिखेंगे x plus y ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फैक्टराइजेशन, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, आप क्लास 8th में फर्स्ट टाइम पढ़ने जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया आपको देना पड़ रहा है. 3x 3y दोनों जगह 3 है, तो 3 आप ब्रैकेट के बाहर इसको लिख कहते हैं कॉमन लेना, कॉमन लिख लिया 3 और ब्रैकेट में लिख दिया x plus 1. तो वही काम वहां पे भी किया था, स्मार्ट मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ा था छोटे पे. यस, यहाँ पर देखो 2 हमने चारों टर्म्स में था, तो ब्रैकेट के बाहर 2 को लिखा और चारों टर्म्स एड हो गए, ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी. सेम ऐसे ही आर एच एस में अगेन 2 कॉमन आ गया, ए सी प्लस बी डी हो गया. ये वाला 2 अब आर एच एस में जब जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में था ब्रैकेट के साथ, आर एच एस में जाएगा डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी. हेंस बताइए, क्लियर है? तो समझ में तो आ गए, लेकिन हम कब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल का करने लगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैथ्स में सही, बिल्कुल कल ही या परसों की क्लास में मैंने बताया था कि मैथ्स में कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पर भी किसी भी क्लास में किसी भी चैप्टर में पढ़ा हो, वो सब कुछ हर जगह यूज हो जाता है. तो मैथ्स में वेरिएबल का अल्फाबेट के साथ प्लस कर रहे हैं. ओके, तो अभी यू हैव टू नोट डाउन एवरीवन, इसको नोट करो. एंड एक और ट्रिक मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस को,
मैं इतनी चिंता इतनी टेंशन क्यों ले रहा हूँ आप लोगों की इसमें, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आपको क्या करना है इसको और अच्छे से करने के लिए, यू हैव टू रिवाइज द होल क्वेश्चन आफ्टर द क्लासेस, बाद में रिवाइज करना है एंड उसके बाद दो बार अपने हाथ से इस क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करना है। पहले देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे किया है, सारे स्टेप्स को याद सर हमने देख लिया स्टेप्स, या मतलब देख लिया आपने समझा दिया, अब आप ये हटा दिया, अब हम लोग कुछ करके देखे अभी नहीं, आफ्टर द क्लास ठीक है, तो फिर ओके सर अभी तो कॉपी करो, बाद में आफ्टर द क्लासेस यू डू इट योरसेल्फ टू टाइम्स, दो बार और करना, अभी देख के करिए, बाद में बिना देखे दो बार करिएगा आफ्टर द क्लासेस ठीक है। समय कर लेके बैठी थी मैथ्स, मैथ्स करूंगी और साइंस करूंगी, लेकिन साइंस में मेरा पूरा टाइम चला गया डायग्राम बनाने में, फिर मैंने कल मैथ ही नहीं करी। आई नो हाउ टू डू सेवन क्वेश्चन, वेरी गुड, बेटा ये सब जो मैंने एक्स्ट्रा डिजाइन बनाए हैं ये अंडरलाइन किया है कहीं पे, कुछ सर्कल वगैरह बनाए हैं, ये सब मत करना, ये सब नहीं करना है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं हाईलाइट वगैरह करता हूं। हां ओके सर, कहीं कोई बच्चा नोट कर ले, पता चले हमारी को सर्कल बना दिया, अंडरलाइन कर दिया, एरो बना दिए, ये तो सिर्फ समझाने के लिए करता हूं। पहले क्लास स्टार्ट हुई थी तो 10 बच्चे थे, अभी 8 रह गए, 8 रह गए हैं। आज हमारे बीच हमारा सबसे पढ़ाकू लड़का अर्णव शुक्ला भी नहीं बैठा है। ये सब मैं वही सोच रही थी क्लास में आते हैं, वरना पढ़ा बहुत तो बड़ा कहता है कि हम बातें करके चलो काम स्टार्ट करते हैं। श्रेयान जी बेचारा कल आया था, आज फिर नहीं आया, फिर गायब हो गया। सर सर बेटा वेट वेट फॉर अ मिनट, ओके
सर सीट बेटे मिलना Sir, your screen is coming blank. Sorry, beta. Sir, your screen is coming blank. Blank? Nahin. Yes, sir. Nahin, beta, kuch network issue hai. Okay.